अब कह बचा ले मेरी माए बटाऊ आयो लेवण ने मने अब कह बचा ले मेरी माए बटाऊ आयो दस दरवाजा इन मंदरिए मां आठ कोठड़ी दस दरवाजा इन मंदरिए मां लुकती छिपती मैं फिरूं रे छोटे तो बेरी मन ने नाई बताऊ आयो ले बचा ले मेरी माए बताऊ आयो लेवण ने मने अब के बचा ले मेरी माए बताऊ आयो कन्या कवे ओ सुन मायड़ मेरी बात अब कब बताऊ न पाचो भेजो फिर जाऊं ली बारे साथ बताऊ आयो ले वन ने मने अब कब बचा ले मेरी माए बताऊ आयो बचा ले मेरी माए बताऊ आयो करी सुन ले पावना सुन ले म्हारी बात कवडो करी सुन ले पावना सुन ले म्हारी बात म्हारी कन्या भोली ढाली अब के तो कर दियो गुना माब बताऊ आयो ले वन ने मने अब के बचा ले मेरी माए बताऊ आयो लेवण ने मने अब के बचा ले मेरी माए बताऊ आयो हुकम होयो है धर्म राज रो ढलती कोई मां जल रात बताऊ आयो ले वन ने मने अब के बचा ले मेरी माए बताऊ आयो ले वन ने मने अब के बचा
चाले मेरी माए बटाओ आयो तेरा गया रे आई नवेली थी खेलन री मारे मन में रहगी संग की सहेलिया रे साथ बटाऊ आयो ले वन ने मन अब के बचा ले मेरी माए बटाऊ आयो चाले मेरी माए बटाओ आयो ले वन ने पिता और कुटुंब कबीले फेरो सिर पर हाथ मात पिता और कुटुंब कबीले फेरो सिर पर हाथ सात भाया की बहन लाडली कोई ना गयो रे बाके साथ बटाऊ आयो ले वन ने मने अब के बचा ले मेरी माए बटाओ आयो ले वन ने मन अब के बचा ले मेरी माए बटाओ आयो ले वन ने कबीर सुनो भाई साधो यूं सासरिये जा कहत कबीर सुनो भाई साधो यूं सासरिये जा इन सासरिये सब ने जानो ले लो गुरु का नाम बटाऊ आयो ले बचा ले मेरी माए बटाओ आयो ले वन ने मन अब के बचा ले मेरी माए बटाओ आयो ले वन ने लफ्ज गाने में ए किस्म ना हुए तो जीव बार मुखी है क्योंकि बार मुखी चीज ने जीव जाने आपा तो बटाओ जिक्र का अपना आगे चोरी ने देने है जी आपा तो आई चीजा पे लेकिन संता आपा ने अपनी भाषा में समझाए है कि भाई काल ने और पकड़ के कान तेरे को ले जब काल भगवान आवे वह वक्त में यह आत्मा थर थर कांपना शुरू है जी तो ये आत्मा पुकार करती है आखिरी वक्त जबकि यम के दूत आकर के उसको घेर लेते हैं तो वो आत्मा कहती है कि अब मुझे छू क्यों कि उसको पता लगता है कि मैं इस संसार सागर में आई
और मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया, मैंने तो फराई कहानी गाई और ये संसार के विषय विकारों में फंस कर, और मैंने तो ऐसा इशरत। मौत के वक्त हर इंसान को पता लगता है कि मैंने मेरी जिंदगी के दिन यूं ही बर्बाद कर, मुझे भेजा था भजन करने के लिए, उस मालिक ने अपने घर बुलाने के लिए, अपने असलियत को पहचानने के लिए कि हम कौन है, हम कहां से आए, लेकिन हम अपने आप को यहां आकर के भूल गए इस संसार के विषय विकारों में फंसकर और सब कुछ भूल गए। अब संत ही हमें आकर के आवाज देते हैं कि भाई चेत जाग, ये देश तेरा देश नहीं, ये कौम तेरी कौम नहीं, ये मजहब तेरा मजहब, तेरा देश सतखंड है, तेरा पिता सतपुरुष है, तेरी गोद सतनाम है और तेरा मजहब है इश्क यानी प्रेम का। प्रेम है द्वार प्रभु, प्रेम रूप परमात्मा है और इसकी प्रेम रूप आत्मा, आत्मा और परमात्मा का एक ही रूप। अब प्रेम द्वारा ही हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते। अब हमें के काल भगवान से बचने के लिए उस वक्त मौत आकर के खड़ी होती आंखों के सामने, तब उसको पता लगता हो सकता कि अब के बचा ले मेरी माँ बटाऊ आगे, अब कौन बचा, लुकती छुपती मैं फिर। जब ये बहुत इधर उधर दौड़ती है आत्मा शरीर के अंदर, लेकिन ये अपने कोई इसको, ये माया रूपी इसकी माँ है, ममता रूपी, लोभ इसका पिता है। अब ये ममता में फंसी हुई और अपनी माँ से पुकार, अब साहब ये पुकार, अब इसको बचाए तो कौन बचाए। आखिरी कड़ी में कहा ना, क्या कहा कबीर साहब ने, कि गुरु के बगैर, नाम के बगैर इस आत्मा को उस काल के जाल से बचाए। युगों युगों से ये आत्मा काल के फेरे में पड़ी, काल चबिना जगत में दिल रही चल रही दिन रहने, ये काल हमें युगों युगों से ग्रासता आ रहा है और हम इस काल की ही भक्ति कर रहे हैं। जितनी भी भक्ति हम कर रहे हैं काल की कर रहे हैं। अर्जुन कृष्ण का पहला आदमी, पहला प्यारा था, उद्धव जी का वो भक्त, और कृष्ण को जाकर यानी अर्जुन को जाकर हिमालय में गलना, क्योंकि ये काल भगवान ने किसी को नहीं छोड़ा, काल ने सबको, कोई इस संसार के अंदर काल नहीं सिवाय संतों, संत बचाएं तो बचाएं, नहीं इस जीव की कोई ताकत नहीं है कि उस काल से। अगर संतों की शरण में हम चले जाएं, हम कुछ भी कमाई नहीं करें, और अगर जीव को नाम मिल गया तो वो 84 में नहीं जाए। ये संतों के कौल हैं कि संत के शरण में चला गया, जिसको नाम मिल गया 84 में नहीं, दूसरा जन्म दिलाएंगे लेकिन उसको भक्ति करा के ही ले जाएंगे। इसलिए हमें चाहिए कि जिसको नाम मिला है वो नाम की कमाई करे, और जिसको नाम नहीं मिला वो नाम लेने की कोशिश करे किसी पूर्ण संत की शरण में। ये नहीं कि भाई तागो बंधाया ही बताए, वो पहले शब्द में बोलो कि पाखंड में कुछ ना ही रे भाई, पाखंड में कुछ ना, पाखंडिया नर भोग 84, खोज करो तो उन पाखंडियों से बचना है, किसी पूर्ण महात्मा की सत्संग सुनो। सत्संग के द्वारा ही हमें पता लगेगा कि कौन गुरु है। जब हम कहीं रिश्ता करने के लिए जाते हैं बच्चों का, तो कितनी खोज करते हैं, तो फिर गुरु क्या आसानी से मिल जाए, यूं तो डगल उठाओ नीचे गुरु, लेकिन उन गुरुओं से किसी पूर्ण संत की शरण लो, किसी महापुरुष की शरण करो, और भाई सिमरण जन करो तो छुटकारा हो, नहीं तो इस काल ने किसी को आज तक नहीं छोड़ा, बड़े बड़े योद्धा।